नमस्कार, स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ अर्पिता को। आज मुझे सहित सेयार करी डाल फ्राई पूरा ढाबा और रेस्टोरेंट रे आमे जेमती डाल फ्राई खाऊ पूरा सेमती का केमी बनेबे सब टीप्स ए वीडियो रे आपण सहित सेयार करी। सब टीप्स जानापी वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखु टोटाल भी स्किप न करके चलतु आरंभ करवा आज रेसीपी। प्रथमे मुझे गोटे कप नहीं जाइली हरड़ डाली ताको मुझे 15-20 मिनिट आगुरी पानी एमती सोक कर देती। मुझे मेजरिंग कप्रे मापिकी नहीं जाइली फुल गोटे कप हरड़ डाली जोटा 300 ग्राम ताको 2-3 थर भल भाव धोने पर 15-20 मिनिट पर एमती सोक करे। आ मसला नहीं धनिया पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1 स्पून, आ गरम मसला नहीं 1 स्पून, गोटे मीडियम सैज्र टमाटो और गोटे मीडियम सैज्र पिज को देखते बड़ बड़ स्क्वायर सैज्र काटिकी नहीं 7-8 बाखुड़ा रसुण, 2-3 इंच अदा और 2टा कंचा लंका नहीं भल भाव छेची दबा। अदा और रसुण को एमती छेचिके पकड़े बहुत भल बासना आसे। आ गोटे तेजपत्र 4टा नहीं ग्रीन गुजराती और 4टा नहीं लवंग। आपन जे ग्रीन गुजराती जगह गोटे बड़ इलायची भी नहीं पारे कला गुजराती। एबे आम गोटे कुकर को गरम कर नबा। कुकर आमर भल भाव गरम हो गलाद गोटे चम्मच रिफाइन तेल। आपन चाहिए ये सोरस तेल भी नहीं पारती। तेल आमर भल भाव गरम हो गलापर आम जो डाली को आगर आम 15-20 मिनट आगे सोक कर रखी थे एवं डाली को देदेब। एवं से आम देद कटा टमाटो और कटा पिज को देदेब। एबे आम जो मसला रखी थे हल्दी पाउडर, गरम मसला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एवं सबूतक मसला को ये टाइम देदेब। आउ छेचिकी जो रखी थे अदा रसुण ताकू भी देदेब और कंचा लंका भी देदेब। देदेब गोटे तेजपत्र, लवंग और गुजराती। एमती गुजराती टिके अधिक देवे बहुत भल बासना और टेस्ट आने आमर डाल फ्राए। एवं स्वाद अनुसार देद लुण को आ जो कप्रे मापिकी रख नहीं थी डाली गोटे कप से कप्रे मुझे तीन कप पा मैंने मुझे 300 ग्राम डाली दे दी थी 1 लिटर पा। एवं सब जिनस को भल भाव गोलई नाला कुकर को बंद करदे और मीडियम हाई फ्लेम आपको गोटे हुईसिल दबा। जेहेतु मैं आपको 20 मिनट आपको सोक कर तो गोटे हुईसिल परफेक्ट डाली मोर सीझी आठ मुझे गोटे हुईसिल देला गैस को अफ कर देती। आठ देखते सबूतक एयर भी कुकर चली जाइए। आठ देखते मुझे डाली भी चेक करी पूरा परफेक्ट मोर सीझी जाइए। जदि आपको आगुरी डाली को सोक करेंगे तेल 2-3टा हुईसिल देदेवे डाली भी पूरा परफेक्ट सीझी जा। देखता टी एम चामच साहय भल भाव गोलीदे जमी डाली मोर पानी सब भल भाव मिसीजी देखिपे आ डाली कनसीस्टेन्सी देखु एमती रहा दरकार। एवं छुंक देवाई मुझे नहीं जाइए 4-5 चम्मच गुआ घी बहुत भल बासना आने आ गोटे स्पून जीरा 7-8टा सुखिला लंका किसी फ्रेश भुसरंग पत्र कस्तूरी मेथी आ गोटे स्पून ये रसुण को एमती छोट छोट काटिकी धनिया पाउडर ये आउ गोटे स्पून आउ काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर गोटे स्पून आउ हेंगू। प्रथम आम गोटे तड़का पैन को गरम कर नेलापर जो 4-5 चम्मच गुआ घी आम रखी थे ये टाइम देदेब। आपन चाहिए ये रिफाइन तेल भी यूज करेंगे कि गुआ घी देवा द्वारा डाल फ्राए आम बहुत भल टेस्ट आने। आठ घी आम देखते भल भाव गरम हो गलापर देद गोटे स्पून जीरा आउ सुखिला लंका देद। जीरा लंका आम भल भाव भाजी गलापर आम से देद गोटे स्पून रसुण कटा देद। आउ मीडियम फ्लेम रखिकी आपको किसी सेकेंड आम एम भाजी ना जमी रसुण कंचा बास्नाटा चली जाद किसी फ्रेश भुसरंग पत्र आ जो धनिया पाउडर रखी थे 1 स्पून, काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून देद। आ किसी सेकेंड एमती भाजी नेला एम देद कस्तूरी मेथी आउद हाफ स्पून ये मुझे हेंगू को हमें गैस रो फ्लेम ऑफ कर दबा और जो डाली सीझे रखी थी से देद। आठ देखो डाल फ्राई आम बिल्कुल रेडी गला। एटी मुझे किसी कटा धनिया पत्र दे दूँ बहुत बढ़िया बासना आने आम डाल फ्राई रे। आठ देखो आम पूरा डाल फ्राए मात्र 15-20 मिनिट रेट आम रेडीगला ए सर्व करने देखिपारे के सुंदर होती। देखो मुझे डाल फ्राए कनसीस्टेन्सी मुझे रखी टी बहुत रखिले भल लगे। आपत जी आठ रू पतला करने चाहते तो अल्प टिके गरम पा देदेवे आमर डाल फ्राई एक बिल्कुल रेडी गला ये सर्व करने। आशा करुच्ची आज रेसीपी आपको बहुत पसंद आसे लाइक करेंगे आपर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करनी निश्चय करनी। आई दरकार होगा सामग्री सबुदिन भाई तार लिंक पाई वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे।
आउ एमितिका डाल फ्राई घरे निश्चय प्रस्तुत करंतु। केमती लागिला आपनको अनुभूति मो सहित वीडियो रा कमेंट सेक्शन ने शेयर करंतु। देखा हबो पुनी गोटे नुवा वीडियो रे। राहुची, नमस्कार।